ईरान से आए पारसियों का सरदार राजा यदुराज के दरबार में हाजिर होता है। वो राजा से गुजारिश करता है कि उन लोगों को गुजरात में रहने की इजाजत दी जाए। राजा यदुराज दूध से भरा एक कटोरा पारसी सरदार को देता है। कटोरा दूध से लबालब भरा है। इसका मतलब साफ है कि हमारी रियासत पहले से ही लोगों से भरी हुई है। यहां और लोगों के बसने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। पारसी सरदार ज़हीन और दूरंदेश शख्स था। उसने थोड़ा सा शक्कर लिया और दूध में मिला दिया। इसका मतलब भी साफ था कि हम आपकी आबादी में इजाफा कतई नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से घुल मिल कर रहेंगे जैसे दूध में शक्कर। इस वाक्य को गुजरे 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया। धीरे धीरे पारसी पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। इस 1000 साल में उन्होंने मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 1000 साल से ज्यादा का वक्त भी कहीं से कोई ऐसा एक वाक्य भी मंजरे आम नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि राजा यदुराज से किया गया वादा इन्होंने तोड़ा है। यह है वो कौम जिसने हिंदुस्तान को फील्ड मार्शल सैम मॉनिकशॉ जैसे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दिया, पालमजी मिस्त्री जैसा उद्यमी दिया और नुस्ली वाडिया जैसा कारोबारी दिया, साइरस पूनावाला जैसा व्यापारी दिया जिसने पूरी दुनिया में भारतीय बायोटेक का परचम लहराया, आदि गोदरेज जैसा बड़ा बिजनेसमैन दिया जिसने लाखों लोगों को नौकरी दी, विश्व विख्यात वकील नानी पालकीवाला भी इसी कौम की देन है, होमी जे भाभा जैसे महान वैज्ञानिक दिया जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाया। ये वो कौम है जिसने हिंदुस्तान को जमशेद जी नौसरवान जी टाटा जैसा सपूत दिया। सर दोराब जी टाटा जिन्होंने जमशेदपुर शहर को बसाया, जिनकी अगुवाई में पहली बार टाटा स्टील की भट्टियों में पत्थर पिघलकर लोहा बना, जिन्होंने नौशरवान जी टाटा के सपने को हकीकत में बदल दिया, वो थे सर दोराब जी टाटा। इसी परिवार ने जीआरडी टाटा जैसा सपूत इस देश को दिया, जिनकी इंसान दोस्ती और सादगी सारी दुनिया में मशहूर थी, जिन्होंने टाटा परिवार के नाम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया और उस देश ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। और रतन टाटा जिन्हें वाकई में भारत रत्न से नवाजना चाहिए, जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियों को खरीदकर सिर्फ टाटा का ही नाम बुलंद नहीं किया बल्कि सारी दुनिया में भारत के नाम को वकार बख्शा है। जमशेदपुर जो कभी काली माटी हुआ करता था, उसको जानने समझने और देखने से पहले हम ये जान लें कि ये एक ख्वाब था एक ऐसे शख्स का जिसने मेक इन इंडिया की बुनियाद डाली थी, जिसने मजदूरों की बेहतरी का सपना बुना था, जिसने स्वच्छ भारत का नजरिया दिया था, जिसने शिक्षा की अहमियत को समझा था, जिसका सपना था अलग अलग धर्म जाति भाषा सभ्यता और परंपराओं के लोगों को एक साथ अमन मोहब्बत और भाईचारा के साथ जीने का हुनर देना। उनके बच्चे एक छत के नीचे एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर एक ही मैदान में खेलकर बड़े हों और सच्चे हिंदुस्तानी बने। टाटा स्टील की भट्टियों से निकलने वाले इस्पात में
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पसीना शामिल होकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपनी हिस्सेदारी को निभाए, इसको बनाने संवारने सींचने और सजाने में उस खानदान ने आज भी कोई कमी नहीं छोड़ी है।